गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ सोनाली और मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी, लाइफस्टाइल, हेल्थ एक्सेट्रा। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आगे शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। फॉर मोर डिटेल्ड वीडियो प्लीज कीप वॉचिंग। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइना और इंडिया का अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। मैंने अपने ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी, एंड दैट इज़ व्हाई आई केम अप विद दिस आइडिया टू शेयर अफोर्डेबल इंडियन स्किन केयर एंड हेयर केयर ब्रांड्स विद यू ऑल गाइस, सो दैट आप लोग भी जाके उनको ट्राई कर सको और वो इंडियन ब्रांड्स ही होंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है आप चाइनीज प्रोडक्ट्स पे और बाकी सारे जो आउटसाइड इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उन पे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं और हम लोग बहुत सारे पैसे भी लगा सकते हैं इस चीज़ में, बिकॉज इंडियन जो ब्रांड्स होते हैं दे आर क्वाइट अफोर्डेबल बट एट द सेम टाइम दैट आर वर्थ द मनी गाइस। तो मुझे इंडियन ब्रांड्स, इंडियन स्किन केयर एंड हेयर केयर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने डेली जो रूटीन मेरे ब्रांड में जो मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स ही होते हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, विच आई एक्चुअली नोटिस जब मैं ये वीडियो बनाने बैठी एंड आई वॉज डूइंग रिसर्च ऑन दिस। तो जब मैंने नोटिस किया, मैंने प्रोडक्ट्स को देखा कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ रेगुलर रूटीन में, तो मैंने पाया कि मैं बहुत ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँ सो दैट आप भी जाके वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्राई कर पाओ। एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उन प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ उन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक ही करके हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करने चाहिए और इंडियन प्रोडक्ट्स कैसे बेहतर हैं आउटसाइड इंडिया प्रोडक्ट्स से। इंडियन प्रोडक्ट्स यार क्यों बेहतर हैं? क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे ही हमारी ओन कंट्री में बने हुए हैं, ओन मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके थ्रू वो बने हुए हैं, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी अफोर्डेबल, येट दीज प्रोडक्ट्स आर वर्थ द मनी। अगर आप कुछ भी पैसे खर्च करते हो और आपको उतनी यू नो वैल्यू मिल रही है उस मनी की, उस पैसे के जो आप खर्च कर रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आपको वो थोड़ा भी वर्थ लग रहा है तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की यू नो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही चीज़ जो मैंने देखी है इंडियन प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो हम नहीं जानते बट उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर अफोर्डेबल ऑल्सो, दैट आर अमेजिंग ऑल्सो। सो जो इंडियन ब्रांड्स हैं दे आर वर्किंग रियली हार्ड आउट देयर टू मेक दीज प्रोडक्ट्स, और ये मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दीज आर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, येट अगर हम उन प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखें और हम कंपेयर करें इंडियन प्रोडक्ट्स को आउटसाइड इंडियन प्रोडक्ट्स से, मैं ये नहीं कहती कि आउटसाइड इंडिया के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं बट अगर हम उन प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखें जो हमारी ओन कंट्री में बनाए गए हैं तो मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं हम कंपेयर करें, दीज प्रोडक्ट्स आर ऑब्वियसली नेचुरली ड्रिवन, वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो दे हैव सुपर एंड मैग्निफिशेंट वैल्यूज, तो वो प्रोडक्ट्स जो उन चीज़ों से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमको इंडिया में मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि यार हमें डेफिनेटली एक चांस ज़रूर देना चाहिए हमारे जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली डूइंग गुड इन द मार्केट। और मुझे लगता है कि हमें मोर ऑफन इन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना चाहिए हमारे रेगुलर रूटीन में। तो हम एक एक करके ऐसे ही कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड येट दे आर वर्थ द मनी, मतलब अगर आप पैसे खर्च करोगे आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने कुछ चीज़ यूज़ करी है। सो गाइस मेरा पहला प्रोडक्ट जो है वो है बायोटेक। सो बायोटेक इज़ आई थिंक वेरी मच टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी मैं इसको शामिल करना चाहती थी मेरे इस वाले वीडियो में बिकॉज हाउएवर इट्स एन इंडियन प्रोडक्ट ओनली। तो ये है बायोटेक का मेरा स्किन टोनर जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ और मेरे रेगुलर रूटीन में काफ़ी मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड आई एम गेटिंग ओवर विद दिस। मैं डेफिनेटली इसकी नई बॉटल खरीदने वाली हूँ। आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है ये टोनर। बायोटेक के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ लाइक फेस वॉशेज हैं बायोटेक के,
और बायोटिक का मैंने हेयर कलर भी यूज़ किया था, उसका भी मेरा वीडियो जो है उसका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दैट इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग प्रोडक्ट ऑफ बायोटिक। तो बायोटिक इज सच अ ब्रांड जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है इन एवरी रेंज, लाइक स्किन केयर और हेयर केयर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू विश टू यू कैन टेक इट फ्रॉम द बायोटिक रेंज। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरली डिराइव होता है, नेचुरल थिंग से डिराइव होता है, नेचुरल एलिमेंट से डिराइव होता है और बहुत 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 अफोर्डेबल। नेक्स्ट इज दिस पतंजलि का एलोवेरा जेल, विच इज़ अ वेरी नीश प्रोडक्ट और ये आई थिंक एवरी इंडियन हाउस होल्ड में यूज होता होगा, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट टू इंक्लूड इट इन माई दिस वीडियो। ये भी देख लो, आप पूरा खत्म हो चुका है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इसको यूज करते हैं एंड ये बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। और एलोवेरा आपको पता है इट इज सो मच एनरिच्ड इन नेचुरल गुडनेस, तो एलोवेरा बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं एलोवेरा में, एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं और उस वजह से एलोवेरा जो है आपकी स्किन की ड्राइनेस को, पिंपल्स को, एक्ने को पूरी तरह से क्लीन आउट करने में, चेकआउट करने में हेल्प करता है। और ये जो जेल है ये मुझे काफ़ी पसंद है, मैं इसको एज अ मॉइस्चराइजर कैरी करती हूँ समटाइम्स अंडर माई मेकअप ऑल्सो, और समटाइम्स अगर मैं धूप में जा रही हूँ तो मैं इसको ही लगा कर चलती जाती हूँ। यूवी रेज प्रोटेक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, एज अ नेचुरल सनब्लॉक भी हेल्प करता है और मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हिमालय का रिफ्रेशिंग एलोवेरा लोशन, दिस इज एलो क्यूकुम्बर रिफ्रेशिंग बॉडी लोशन विद हाइड्रा न्यूट्री बैलेंस। सो ये जो बॉडी लोशन है ये मुझे बेहद पसंद है एंड हिमालय इज अगेन सच अ ब्रांड जो हर इंडियन स्किन टोन को प्रॉपरली सूट करता है। और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स जो है हिमालय की रेंज में, बहुत अच्छे स्किन केयर और हेयर केयर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। हिमालय के स्टोर को आप विजिट कर सकते हो, आई विल गिव द लिंक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन माई डिस्क्रिप्शन एरिया इफ यू वॉन्ट टू। ये जो लोशन है ये मैं समर्स में बेसिकली यूज़ करती हूँ, मैं अपनी बॉडी पे पूरा इसको यूज़ करती हूँ ऑन माई हैंड्स लेग्स एवरीवेयर। बहुत अच्छा और लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, ऑयल फ्री है बिल्कुल, तो अच्छे से ग्लाइड हो जाता है ऑन माय बॉडी। एक और स्टार प्रोडक्ट जो है वो मैं हिमालय का ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये हिमालय का एंटी हेयर फॉल क्रीम। तो ये जो क्रीम है ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, ये क्रीम बहुत बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है इस क्रीम का, अच्छे से आप बालों की सेटिंग कर सकते हो, हमें ये काफी पसंद है, दैट इज आई वॉन्टेड एंड थॉट टू शेयर दिस वीडियो गाइस इन दिस वीडियो। माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ वेरी वेरी ओल्ड इंडियन प्रोडक्ट विच इज़ वेरी कॉमन इन जस्ट अनदर इंडियन हाउस होल्ड, दिस इज बोरोलिन। सो बोरोलिन मेरा ऑलवेज गो टू प्रोडक्ट है गाइस, मतलब मैं इसको समर्स में विंटर्स में 365 डेज मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। रात को मैं ज़रूर 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 बोरोलिन लगाकर सोती हूँ ऑन माय लिप्स, बिकॉज माय लिप्स आर वेरी वेरी चैपी, तो अगर मैं कभी कोई लिप बाम नहीं लगाती हूँ मैं ये ज़रूर लगाती हूँ मेरे लिप्स पे। और बोरोलिन हैज़ बीन यूज्ड इन माय होम लाइक सिंस एजेस नाउ, माय मॉम आल्सो यूज्ड इट इन हर चाइल्डहुड डेज, लाइक फ्रॉम हर चाइल्डहुड डेज दिस इज गोइंग ऑन। स्पेशली इन विंटर्स मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, आई यूज़ इट ऑन माई फेस, लाइक आई अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ दिस बिफोर गोइंग टू बेड रात में। और इसके ना मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं यार इस बोरोलिन में, मतलब इसके साथ मेरे स्किन पे अगर कोई भी रैशेज हो रहे हैं, कोई भी सनबर्न हो रहा है, टैनिंग हो रहा है, या फिर मेरे स्किन पे कोई रेड मार्क्स हो गए हैं, कुछ भी एलर्जी हो गई है, ये उस पर मैजिकली काम करता है। आप रात को एक बार थिकले लगा के सो जाओ एंड सुबह आप एक्चुअली नोटिस करोगे इसके रिजल्ट्स, एंड दिस इज माई रियल एक्सपीरियंस विद दिस, देयरफॉर आई थॉट टू शेयर दिस प्रोडक्ट विद यू गाइस इन दिस वीडियो। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप जरूर 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 ट्राई करना अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। सो माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मामा अर्थ का ये ओनियन शैम्पू, आई हैव ओनियन कंडीशनर ऑल्सो विद दिस। ये मैंने रिसेंटली बाय किया था, मुझे आई थिंक 1 month हो गया है इसको यूज़ करते हुए। सो नाउ आई फाइंड इट रियली इफेक्टिव और मामा अर्थ इज़ अगेन एन इंडियन ब्रांड, वेरी अफोर्डेबल वन। और मैं इसकी लोशंस भी यूज़ करती हूँ, आई हैव यूज्ड द एप्पल साइडर मॉइस्चराइजिंग लोशन, बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है उस लोशन का भी। एंड ये मेरे को ये आप लोगों के साथ शेयर करना था बिकॉज ये जो शैम्पू है मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 month हो गया है एंड मेरा जो हेयर फॉल है वो आई थिंक 50-60% तक
कम हो चुका है बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता था और अभी जो सीज़न चल रहा है लाइक बारिश अब स्टार्ट हो गई है, वी आर एंटरिंग इनटू सावन, तो बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है और उस टाइम पे यू नो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं बालों के साथ रिलेटेड, वो है हमारा हेयरफॉल। तो हेयरफॉल को कंट्रोल करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं इसको ट्राई करूँगी और मैंने इसको मंगवाया एंड आई हैव एक्चुअली सीन द रिजल्ट्स, तो मुझे ये बेहद पसंद आया। अगर आप मामा का कोई प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो, इफ़ यू हैवन ट्राइड एनी प्रोडक्ट येट, आप ज़रूर इसको ट्राई करना। दिस इज़ माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम देयर हेयर केयर कैटेगरी। तो यस, मैंने इसलिए सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़रूर शेयर करूँ इस वीडियो में। माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एवरयूथ प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल पैक विथ चॉकलेट एंड चेरी। सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। एवरयूथ इज अगेन अ इंडियन ब्रांड, वेरी अफोर्डेबल फॉर स्किन केयर एंड दिस इज आई थिंक मोस्ट यूज एंड मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम देयर कैटेगरी ऑफ फेस पैक्स। इफ यू लुकिंग फॉर सम इंडियन ऑप्शंस, इंडियन स्किन केयर ब्रांड ऑप्शंस फॉर रिमूविंग टैन, एक्चुअल रिमूवल ऑफ टैन, तो ये वाला प्रोडक्ट इज अ स्टार प्रोडक्ट आई मस्ट टेल यू गाइस। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना बिकॉज 15 मिनट्स में ये आपका पूरा टैन, लाइक मुझे लगता है 80% तक का आपका टैन, 80-85% टैन आपका रिमूव कर देगा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट जो है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, बट आप एवरयूथ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप ज़रूर ट्राई करना बिकॉज एवरयूथ इज़ अगेन एन इंडियन ब्रांड, बहुत बढ़िया ब्रांड है, बहुत रेंजेस अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स की इन लोगों के पास, अगेन वेरी अफोर्डेबल ब्रांड। माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज माई नीमली का नरिशिंग आई सीरम। सो ये मैंने आपको मेरे ब्लॉग में भी ये चीज़ शेयर करी थी दैट मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ रात को सोने से पहले और ये मेरे डार्क सर्कल्स पे बहुत अच्छी तरह काम करता है। नीमली नेचुरल्स इज अगेन एन इंडियन ब्रांड, वेरी अफोर्डेबल ब्रांड एंड दे आर स्टिल ऑन अ वेरी यू नो ग्रोइंग स्टेज। तो नीमली के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं दैट आर स्ट्रिक्टली डिराइव्ड आउट ऑफ नेचर और ये सबसे अच्छी खासियत है, कि सबसे अच्छी बात है इनके ब्रांड की, तो मुझे ये बहुत पसंद है एंड ये मैं और शुभम मेरे हस्बैंड दोनों यूज़ करते हैं रात को सोने से पहले। दिस आई सीरम इज एक्चुअली मेड ऑफ मल्टीपल ऑयल्स डिराइव फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ। तो इसमें फेनल ऑयल है जो हमारा सौंफ का तेल होता है, फेनल ऑयल वो है, सनफ्लावर ऑयल है, आमंड ऑयल है, हेजलनट ऑयल है, हमारे डार्क सर्कल्स और ये जो पफनेस होती है वेरी यंग एज से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है बिकॉज 100% काम होता है हमारा गैजेट्स पे एंड दैट इज़ वाई हमारी आंखों पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है उन सब चीज़ों का यूज़ करने का। और ये आपको उन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, आपकी पफिनेस को ये रिड्यूस करता है, आपकी आंखें थकान महसूस कर रही हैं और आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एक इंडियन ब्रांड है, मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं बहुत बात करती हूँ। गाइस आपने मेरे पहले वाले वीडियोज़ में भी देखा होगा एंड दिस प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स। ये ब्रांड गुड वाइब्स अगेन अ स्किन केयर ब्रांड, स्किन केयर एंड हेयर केयर ब्रांड, वेरी अफोर्डेबल और ये एक मेरा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है गुड वाइब्स स्किन केयर रेंज में से। अगर आपने ट्राई नहीं किया है आप जरूर ट्राई करना। ये है मेरा गुड वाइब्स वाइट स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन सनस्क्रीन विद SPF 30 यू फॉर यूवी रेज एंड PA++ फॉर UVA रेज। गाइस इस प्रोडक्ट के बारे में जितना बोलूँ ना उतना कम है क्योंकि मैंने सच में इसके रिजल्ट्स जो है ना वो देखे हैं। तो आपने मुझे मेरे पहले पहले वीडियोस में भी देखा होगा मैं कितना बात करती हूँ गुड वाइब्स के बारे में और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैं आपको मेरा एक रिकमेंडेशन है उनकी स्किन केयर कैटेगरी में से। इसका जो फॉर्मूला है वेरी वेरी लाइट फॉर्मूला, एकदम ऑयल फ्री फॉर्मूला, ये आपको मॉइस्चराइजिंग वाला इफेक्ट भी देता है एंड साथ ही साथ ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज, फ्रॉम यूवीबी रेज एंड यूवीए रेज बोथ। तो ये चीज़ मुझे इसकी सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। ये प्रोडक्ट जो है इसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, बट ये जो इफेक्ट देता है इट्स टोटली वर्थ योर मनी गाइस। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वेरी अफोर्डेबल और इंडियन ब्रांड है तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसके मेजरली बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। इनकी ग्रीन टीज भी आती हैं जो मैं अभी रिसेंटली बाय करने वाली हूँ, मैंने बहुत सुना है इनकी ग्रीन टी के बारे में। तो मेरा नेक्स्ट जो परचेज होने वाला है गुड वाइब्स से वो है ग्रीन टी। मैं उसके बारे में ज़रूर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे वो ग्रीन टी पी के कैसा लगा बिकॉज दीज गाइस हैव मल्टीपल रेंजेस ऑफ ग्रीन टी, बहुत सारे अलग अलग इन लोगों के पास रेंज है। एंड माई लास्ट प्रोडक्ट इज नॉट अ वेरी मच टॉक्ड प्रोडक्ट बट इट इज़ येट अ वेरी अफोर्डेबल वन, दैट इज एब्स गुडनेस। तो ये है मेरा एब्स गुडनेस का सैंडलवुड जेल एंड ये जेल बहुत एक ठंडा ठंडा सा फील देता है। आपने मुझे देखा होगा मैंने
अपने ब्लॉग में भी आई थिंक ये जेल आप लोगों के साथ शेयर किया था। एल्ब्स गुडनेस का मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एल्ब्स गुडनेस का पाउडर्स आते हैं, मुल्तानी मिट्टी, एकदम नेचुरल मुल्तानी मिट्टी इनका आता है, पाउडर्ड मुल्तानी मिट्टी वो मैंने यूज़ किया है, ऑरेंज पील पाउडर होता है, हिबिस्कस पाउडर है, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इन लोगों की कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। एंड येट अ वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वर्थ द मनी गाइस। अगर आपने नहीं यूज़ किए हैं एल्ब्स गुडनेस के कोई भी प्रोडक्ट्स अभी तक, आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए इन लोगों के प्रोडक्ट्स। ये आपको मिल जाएंगे पर्पल पे, एक्सक्लूसिवली ऑन पर्पल। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के, जितने भी मैंने आज प्रोडक्ट्स शेयर करे हैं, ऑल द इंडियन ब्रांड्स, इन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। यू गाइस कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट इफ यू वॉन्ट टू ट्राई सम ऑफ देम। सो गाइस, दैट वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। आई होप दिस वॉज अ रिसोर्सफुल एंड अ यूजफुल वीडियो फॉर यू गाइस। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द ब्लेसिंग्स। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही हम आगे निकलते चले जाएंगे। तो थैंक यू फॉर शावरिंग योर ब्लेसिंग्स ऑन मी, एंड कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग, एंड यू गाइस टेक केयर। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।